दुनिया तो सदा रहेगी नासिर, दुनिया तो सदा रहेगी नासिर, हम लोग हैं यादगार याददार कुछ कुछ देर, देर। वाह, दुनिया तो सदा सदा रहेगी रहे नासिर। हम लोग हैं यादगार नासिर काजमी बहुत अच्छे कुछ। शायर हैं, मगर इस वक्त जो है मैं सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे मैं भी एक बात जानना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। कोई बताता ही नहीं है नासिर क्यों मर गया। फुर्सते बेखुदी गनीमत गनीमत है, है, गर्दिशें हो गईं परे कुछ तो। आपको इतने अच्छे शेर याद हैं। 20 रुपए हैं, अम्मा बीमार है, सिर्फ 20 रुपए। मगर एक मुश्किल है, मेरे पास वक्त कम है। मेरे पास तो वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वक्त कम है। कितने भाई बहन हैं? वालिद मरहूम, वालदा मरहूमा जितने छोड़ के मरे थे उतने ही हैं। पांच बहनें हैं और तीन भाई हैं, सब जिंदा हैं। मगर नासिर मर गया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। ये जो मुश्किल की बात की है, तो इस तरह तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी बहुत। हमारे लिए तो हर तरह से मुश्किल है, ऐसे भी मुश्किल है और वैसे भी मुश्किल है। आप थक गया हूँ मैं ये सुन सुन कर। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैंने किसी किस्म का आपको लेक्चर नहीं दिया। मेरे मना करने के बावजूद ब्रेक के दौरान इन्होंने एक सिगरेट पिया, नहीं माने। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। वाह, बहुत अच्छा शेर है। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी कर क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। हमें याद ना चले आया आइए, कोई। मैं आपसे नासिर काजमी बात करता हूँ, सिर्फ नासिर बात करते हैं। आप गुस्सा हो रहे हैं, आप क्या बात करेंगे ना सिर पे। नहीं, आप बात करें मुझसे। बरगे नए, दीवान, पहली बारिश, निशात ख्वाब, सुर की छाया, उनका मुंतखब किया हुआ नज़ीर का दीवान, वली का दीवान, इंशा का, किस पे बात करेंगे मुझसे आप? आइए कीजिए बात मुझसे, नासिर नासिर नासिर, करें बात मुझसे नासिर पे। आपने ये सब कहे कि देखने वाले हैं उनके सामने आपने नंबर बढ़ा लिए। मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं आप? हो सकता है नासिर को मुझसे ज़्यादा जानते हो आप, लेकिन एक बात है कि नासिर को
मैं आपसे ज्यादा मानता हूं, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। आप नाराज हो गए, इस पर नाराज होने की कोई बात नहीं। नहीं, हम अपने आप से नाराज नहीं होते तो हम आपसे क्या नाराज होंगे। कोई बात करने से पहले है ना, बहुत बदन टूट रहा है, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें। इतनी जल्दी मेरे लिए ब्रेक लेना मुश्किल हो जाएगा, हाँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मेरी माँ कहती थी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो वो मर जाएगी। कुछ होने से पहले ही मर गई। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। आपको उन्होंने कभी इस हालत में देखा? देखा होगा। रात को जब मैं घर आता था तो सो जाता था ना, सुबह जब मैं उठ के देखता था तो उधर सिराने मेरे दो रोटी, हाँ दो रोटी और आमलेट रखा होता था। ये काम माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये काम माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप बोलते क्यों नहीं है कि ये काम माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस जुमले में मुझे कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। सबसे पहले मेरी माँ को मालूम हुआ कि उनका बड़ा बेटा उनकी सबसे बड़ी औलाद खराब हो गई है, रसोई हो गई है। अम्मा को मालूम हुआ। कैसे मालूम? हाँ, ये बात है। मैं एक दिन है ना आया, बगैर खाए हुए सो गया था। सुबह जब उठा तो अम्मा कहने लगी कि मैंने तेरे लिए रात को चावल कीमा बनाया था और अब रोने से क्या फायदा? नफरत है मुझे इस लफ्ज से। फायदा? लोग फायदे का क्यों सोचते हैं? नुकसान में भी तो एक मजा है। कोई ना कोई वजह तो होगी नशा शुरू करने की। नौकरी नहीं मिली थी, सिफारिश नहीं थी कोई, और इंग्लिश पे तवज्जो नहीं दी थी ना, इसलिए कि सरकारी जबान उर्दू थी ना, तो
मेरा बदन बहुत टूट रहा है, एक ब्रेक ले लो प्लीज, एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लो।